please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तुष्टिकरण की राजनीति ने देश का बेड़ा गर्क किया, वोट के चक्कर में नेताजी ने जनता में क्यों फर्क किया। तुष्टिकरण की राजनीति में देश का बेड़ा गर्क किया, वोट के चक्कर में नेताजी ने जनता में क्यों फर्क किया। सारे धर्मों को जोड़ के रखता है मेरा भारत, है मेरा भारत, फिर क्यों सियासत में बची है माँ भारत, है माँ भारत। जागो भारतवासियों, जागो भारतवासियों, जागो भारतवासियों, जागो भारतवासियों। बाजी अगर ऐसा हो आप गाते रहो मैं वापस ही ना हूँ तो क्या होगा। नहीं, नहीं तो ऐसे गाते रहोगे क्या बाजी? सर आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, हमारे भैया जी हमारे लिए सबसे जरूरी है। है बाजी क्या बात है, बड़ी महीन आदमी हो तुम। ये करे मेरे लिए मेरे भैया जी, क्या बात है। तो भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बड़ा गंभीर दिन है। जी हाँ, मैं पंजाब भी जाऊंगा, चलूंगा हरियाणा भी, रुक करूंगा बंगाल का भी, मौका लग गया तो बात मुंबई से भी होगी। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आप कहेंगे आज छत के नीचे क्यों मौजूद हैं भैया जी? सवाल यही कि बारिश कुछ ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, मुद्दे बेहद गंभीर सुलगते हुए, तो बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन आज आपने जो बजाया और जो गाया है, आह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो क्या लाइन क्या थी आपकी? जागो भारतवासियों, जागो भारतवासियों, तुष्टिकरण की राजनीति ने देश का बेड़ा गर्क किया। तुष्टिकरण की राजनीति। अच्छा भाजी आप जानते हो, हमने तो सोचा गाने बजाने वाले सिर्फ गाना बजाते रहते हैं, लेकिन आप तो सब बहुत गंभीर आदमी हैं। क्या बात है भाजी, तो ये तुष्टिकरण की राजनीति ने बेड़ा गर्क किया। उधर मेरे सामने मेरे सहयोगी बैठे और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि वाह वाह मेरे भाई वाह। लेकिन ठीक है, बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं जोड़ेंगे, बातचीत के शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करना चाहेंगे, बात बताएंगे हमारे यही जहां पे मैं मौजूद हूं यहीं से सारी बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। तो हमारे साथ कलकत्ता से सफ़ी शमसी साहब मौजूद रहेंगे, रवि जो हैं हमारे सहयोगी डेरा सच्चा सौदा में मौजूद हैं हरियाणा, वहां पे चलेंगे। अनुराग ढांडा साहब हमारे साथ पंचकूला से मौजूद हैं, वहां भी बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले अनुराग के पास चला जाए, क्योंकि वहाँ का मुद्दा सुना बेहद गंभीर है और जो स्थिति बनी है उसको जानना बहुत ज़रूरी। तो अनुराग आप मौजूद हैं, जरा मुझे बताइए आज भैया जी कहीं में कि 220 सुना की पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियाँ वहाँ पे मौजूद हैं, स्थित हालात का बताइए और उसको लेकर चर्चा क्या है, सरकार की तरफ से कॉरिडोर्स में क्या बातचीत है वो भी बताइए अनुराग साहब। देखिए बिल्कुल प्रतीक, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा इसी बात से होगा कि कितने यहाँ पर हालात कैसे हैं, कि हरियाणा सरकार ने अगले 3 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया है, एसएमएस सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया गया है, डोंगल के जरिए भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ मैं एक तस्वीर यहाँ की आपको दिखाऊँ ताकि माहौल का अंदाज़ा आपको रहे। ये तमाम डेरा सच्चा सौदा समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ डेरा डाले हुए हैं, और इसलिए कि यहाँ पर कल डेरा प्रमुख राम रहीम सिंह का यहां पर जो सुनवाई है कल सीबीआई कोर्ट में, उसको लेकर के ये लोग अपना समर्थन जताने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। इनसे भी हम बात करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोर्ट की प्रक्रिया में ये सब लोग यहां पर जुटे क्यों हैं, कोर्ट की प्रक्रिया में इनका दखल कहां पर आता है। आप लोगों से भी अगर बात करें, आप लोग यहां पर क्या किस वजह से आए हैं, क्या सोच करके आए, क्योंकि फैसला तो जो होना है कोर्ट में होना है और कानूनी प्रक्रिया के तहत होना है, तो आपके होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फैसला जो होना है वो होना है, लेकिन हम उनके अनुयायी हैं। गुरुजी जहाँ भी जाते हैं तो हम उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ते हैं, और यहाँ भी इसी वजह से हम आए हैं, क्योंकि उनका प्यार हमें जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ ले आता है। नहीं, लेकिन प्यार अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन पुलिस को जो मशक्कत करनी पड़ रही है, पूरे हरियाणा की पुलिस परेशान है। अनुराग एक सवाल पूछा जाए, बहुत एहतराम के साथ, बड़े इज्जत और बड़े बड़े सम्मान के साथ सवाल पूछा जाए, क्योंकि समर्थक होना, किसी गुरु का शिष्य होना बड़े सौभाग्य की बात होती है, लेकिन एक सवाल पूछा जाए तो क्या गुरु जी के साथ जहाँ जहाँ गुरु जी जाते हैं वहाँ लाठी लेके जाना पड़ता है और लाठी के साथ हथियारों के साथ लैस होकर पहुँचा जाता है, क्या पूछा जाए जरा?
देखिए बिल्कुल बिल्कुल, इस पर तो सवाल करेंगे कि ऐसी सिचुएशन आखिर क्यों खड़ी होगी। लेकिन गुरुजी आप जहां जाते हैं, आप लोग समर्थन के लिए वहां जाते हैं, लेकिन बहुत से समर्थक लाठी डंडे के साथ आ रहे हैं, इन चीजों के साथ आना, ऐसा माहौल बनाना, पुलिस पर दबाव बनाना, क्या ये सही लगता है आपको, एक धार्मिक गुरु के आप फॉलोअर हैं इस नाते से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, कोई लाठी डंडा नहीं है, ना कोई हम दबाव बनाना चाहते हैं, हम तो शांति रखना चाहते हैं और अपने गुरु के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं जी। होना हवाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आसंगत की एक परीक्षा है और उनके दर्शन करने की इच्छा है, इसलिए आए हैं जी। तो ये सिर्फ समर्थन जताने यहाँ आए, ऐसा कह रहे हैं कि ये नहीं मान रहे हैं कि कोई लाठी डंडा लेकर के यहाँ पर आ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देखें तो महिलाएं भी मौजूद हैं जो दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और वो सब अपना सामान साथ में लेकर के यहाँ पर पहुंचे। तो प्रतीक, ये स्थिति है फिलहाल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, हम इस वक्त जेल से आपके लिए लाइव कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक विशेष ऑर्डर अभी कुछ देर पहले पारित किया है जिसके जरिए इन जगहों को जहाँ पर ये लोग इकट्ठा है, इनको स्पेशल जेल में तब्दील कर दिया गया। तो हम अभी जेल से लाइव कर रहे हैं, हमारे साथ हजारों डेरा समर्थक यहां पर मौजूद हैं, वो भी इस वक्त जेल में हैं। बस फर्क इतना है कि जेल से बाहर आने और अंदर जाने पर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनुराग साहब, यही देश की स्थिति है। दबाव नहीं, कह रहे हैं कि हम सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हम यहाँ पे शिष्य हैं, गुरु जी की सेवा, गुरु जी के दर्शन के लिए आए हैं। बहरहाल भैया जी कहीं में रुक करेंगे अब रवि के पास। रवि डेरा सच्चा सौदा पे मौजूद है जी, वहां डेरा पे मौजूद है। रवि जी, वहां के हालात और वहां के लोगों का क्या कहना है, वहां पे स्थिति क्या है? लेकिन पूरे हरियाणा पंजाब को लेकर गृह मंत्रालय से लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर चंडीगढ़ तक तमाम सीधी रेखा खींची है और तमाम सुरक्षा प्रबंधों को लेकर तमाम तरह से बातें हो रही हैं। जी देखिए प्रतीक, जेरा के बिल्कुल पास में हूँ और यहाँ पर सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये जो कटीले तार हैं वो रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ से आगे कोई भी जा नहीं सकता, यानी कि कोई भी अगर पैदल भी जाना चाहता है वो नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ डेरा प्रमुख के जो समर्थक हैं यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ जहाँ पर वो उनको जगह मिली है वहीं पर वो बैठ गए हैं। और ये तस्वीरें हैं जो आपने कहा कि 220 जो वहाँ से फोर्सेज भेजी गई हैं, टुकड़ियां भेजी गई हैं, वो ये देखिए सीआरपीएफ के पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस जो लोकल पुलिस है, जगह जगह चप्पे चप्पे पर छावनी में तब्दील है पूरा हरियाणा और खास करके डेरा के आसपास और सिरसा जो शहर है वहां पर किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर मैं भी जाना चाहूंगा प्रेस बोलकर तो शहर के अंदर नहीं जा सकते कोई भी, तो बहुत ही एहतियात यहां पर बरता जा रहा है कि किसी तरीके की अनहोनी या किसी तरीके की वो घटना ना हो। यहां पर देखिए महिला समर्थक भी बड़ी संख्या में बैठी हैं, लगातार वो गाना गा रही हैं, गीत गा रही हैं और ये सुबह से ही ये तस्वीरें हैं, सुबह के समय से ये लोग यहां पर बैठे हैं और ये समर्थन कर रहे हैं और कल तक ये इनका कहना है कि जब यहां से निकलेंगे बाबा वो तब तक वो उनका साथ देंगी और यहीं पर बैठे रहेंगे। तो आज यहां से जो स्थिति है उसी स्थिति में एक तरफ ये कि स्थिति ये कि दबाव मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि जितने भी समर्थक हैं शिष्य हैं कह रहे हैं बाबा के सिर्फ दर्शन करने आए हैं, लेकिन एक मोटा अंदाजा जो लोग बता रहे हैं 10 लाख से ज्यादा समर्थक पहुंच चुके हैं। दबाव है या नहीं ये तो सिर्फ सरकार से पूछा जा सकता है। बहरहाल ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई हैं, ट्रेनें नहीं जा रही हैं, दबाव कह रहे हैं नहीं है, लेकिन जो डेरा सच्चा सौदा के समर्थक हैं जो शिष्य हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन एक रेखा बंगाल की तरफ भी जाती है जहां से आज का मुट्ठी का मुद्दा हमारा वहीं पर है। हम सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद शमी साहब जो मौजूद हैं इस समय कोलकाता में। शमसी, सवाल इस बात का है कि ममता जी ने कहा कि विसर्जन वहां नहीं होने को पाएगा और 1 तारीख को नहीं 2-3 तारीख के हो सकता है या उसके बाद हो सकता है 1 तारीख के बाद, क्योंकि मुहर्रम उस दिन पड़ रही है। अब सवाल यह है कि इसको लेकर चर्चा क्या गर्म है, क्योंकि आज यही मुद्दा है भैया जी कहीं में। जी 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 बिल्कुल, ये जो मसला है ये पिछले साल भी उठा था और इस साल भी इसी तरह का उठा है। प्रशासन का ये कहना है कि किसी तरह का जो है इसमें कम्युनल जो है टोन नहीं आए, इसलिए उसको जो है वो 1 दिन के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के काफ़ी विवाद है। और कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल में ये, क्योंकि सारे बंगाल में आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, तो इसको लेकर के लोगों के अपने अपने विचार हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे लोग यहाँ क्या कह रहे हैं। मुहर्रम के दिन जो विजयदशमी के दूसरे दिन है उस दिन आप विसर्जन नहीं कर सकते।
समझा नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि दोनों एक साथ निकलने से प्रॉब्लम हो सकता है। हुकूमत ने जो किया है बहुत सही किया है, ऐसे हम लोग को मान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी लोगों को परेशानी होती है, जुलूस निकल गया कोई कुछ भी निकल जाने से, तो ऐसे दो चीज़ें एक साथ अगर होता है जिससे तकलीफ होती है। लेकिन इसमें ये बात भी तो कही जा रही है, आपने भी सुनी है, और ये कल से जब से ये अनाउंसमेंट हुआ बात हो रही है कि एक धर्म को सामने रखकर दूसरे धर्म को जो है उसके जो राइट्स हैं उसको क्यों कम कर देखा जा रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार इसलिए चाहती है कि दोनों साथ एक जुट जो होंगे तो विवाद फैलने का डर है, इसे लेकर के वो बोल रहे हैं कि एक दिन आप बाद में मना लीजिए, एक दिन एक पहले मना लीजिए। लेकिन जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात है, आप देखते आए हैं कि बरसों से जो है त्यौहार साथ साथ मनाए जाते हैं, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी तरह का विवाद हो सकता था इस पर? अगर एक साथ ही मनाए एक दिन तो क्या हर्ज है, और विसर्जन भी हो और मुहर्रम के ताजिया भी? बिल्कुल होना नहीं चाहिए, तो ऐसा विवाद होना ही नहीं चाहिए, अगर दोनों साथ साथ मना रहे हैं तो विवाद होना ही नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। मगर कौन से लोग के दिमाग में अंदर क्या होता है, कौन जानता है किसके अंदर क्या है नहीं है। शैतानी हरकत तभी लोग कर सकते हैं, किसी के अंदर में परेशानी है, कुछ कर दिया, वो कुछ कर दिया, परेशानी बढ़ गई। करने वाले एक आदमी मगर भुगतने वाले हजार आदमी। आपको क्या लगता है शैतानी हरकत जो ये कह रहे हैं वो हो सकती थी अगर विसर्जन होता उस दिन? हो सकती है। तो ये इसमें लगता नहीं आपको नहीं बहुत ज्यादा इसमें पॉलिटिक्स हुआ है, भले वो तृणमूल पार्टी हो या भाजपा पार्टी हो या कोई सी पार्टी हो? ये इससे पहले कभी तो नहीं हुआ, मगर अभी एक साथ जब हो रहा तो उसको ऑलरेडी ये चीज को डिबेट कर देना बेहतर है, क्योंकि अक्सर हर जगह देखा जा रहा है कुछ न कुछ झमेला, कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इससे बेहतर है आगे साल जब भी हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, 20 साल विवाद करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि अगर एक साथ होता भी है तो आपको लगता है कि विवाद की जगह बचती है इसमें, अगर मुहर्रम और तो यही मुद्दा है, इसी मुद्दे को लेकर आज हम मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद, उनसे हम तारुफ कराएंगे। और भैया जी कहीं में अनुराग से लेके जो हमारे साथ रवि मौजूद थे डेरा सच्चा सौदा में, और शमसी कलकत्ता से, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे मेहमान जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे तारुफ करा दें। अजय गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अजय गौतम जी हमारे साथ। कुछ देर बाद तेजेंद्र भगत जी साहब आएंगे जो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। फहीम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फहीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बीमारी की हालत में बीमार भी हैं लेकिन उसके बावजूद आए, फहीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जेके बेनीवाल साहब मौजूद हैं, वैदिक गुरु हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बेनीवाल साहब। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के, बातचीत के सिलसिले को शुरू करना चाहेंगे। अजय जी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा कि सवाल ये है कि एक तरफ आपने देखा हालात ये हैं कि जहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के तमाम समर्थक पहुँच चुके हैं और उन्होंने एक तरह से स्थिति ये बना दी है कि एकदम पैरालिटिक सिचुएशन हो चुकी है, और एक सिचुएशन ये है कि बंगाल में है, वहां पर ये उन्होंने एहतियाती कदम उठाए हैं, तो इसमें क्या गलत किया, कौन सी चीज, क्योंकि विसर्जन तो 2-3, 4 दिन, 5 दिन तक चलता रहता है, तो ठीक किया ममता जी ने जो किया? देखिए परम आदरणीय परम सम्माननीय ममता बनर्जी उर्फ मुमताज बानो जी ने क्या बोल रहे हैं आप भाई, देखिए आप सुन तो लीजिए सुन तो लीजिए आप मैंने तो आदरणीय आपको बहुत सम्मान करते हैं, मैं सम्मान के साथ मैंने परम आदरणीय कहा, ये भी तो देखिए मैंने परम आदरणीय परम सम्माननीय कहा। मेरा कहने का मतलब भैया माँ मानुष और माटी की बात करने वाली ममता बनर्जी ने माँ के विसर्जन पर ही रोक लगा दी, जो माँ माटी और मानुष की बात करती है, और माँ माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी आज मैं माफिया और मुसलमान के अंदर तब्दील हो गए, ये पूरी देश की जनता देख रही है किस तरह 20% लोगों को खुश करने के लिए 80% लोगों के संवैधानिक अधिकार, किस तरीके के जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनको किस तरीके से कानून आपने, और आपने हरियाणा के बारे में कुछ नहीं बोला, चंडीगढ़ के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। शांति समर्थक हैं मुजफ्फरनगर में तो हाल ये है, तो पुलिस पकड़ने गई गोकशी में, पुलिस वालों से छुड़ा के ले गए, वो तो बेचारे शांति समर्थक है आराम से बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आपके अभी वहां पे एक रिपोर्टर ने तमाम लोगों से व्यूज लिए, शमसी साहब ने किसी ने कहा कि नहीं, किसी ने भी वो वाइब्स नहीं दिए जो यहाँ देखने को मिल रहा है, उन्होंने कहा अच्छा तो है, अच्छा है। यानी जनता को परेशानी नहीं, इन नेताओं को परेशानी है, और वो भी कौन से आपको मालूम है माशाल्लाह भगवा हमारे, जिनको ये बुखार चढ़ाया आजकल इस प्रकार का, जो देश को एक नई दिशा दे रहे हैं, अरे भाई ये 70 साल से
साल से मेरा देश चल रहा है आजादी के बाद, अब ये गुलाम बनाना चाह रहा है वो अंग्रेज, और मैं तो कहता हूँ ये अंग्रेज का रूप है जो कपड़े बदल के आया है, रंग बदल के आया है देश को बांटने के लिए। देश भगवान हो गए, देखिए देखिए बात सुनिए, आप भगवान की बात ना करिए, नहीं नहीं आप इंसानियत की बात करिए ना, अभी आपको बेगम से ऐतराज है, ममता, अरे वो ममता, देखिए आप हर जगह तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, आप विसर्जन की बात, ये हिंदू देखिए हिंदुस्तान है, नहीं आपको एक कानून एक झंडा एक कान और मानना पड़ेगा आपको, झंडे की बात, अरे आपको एक मानना, देखिए विसर्जन आप हमारा विसर्जन रोकेंगे, आप रोड़ों पे, आप रोड़ों पे बताइए मुझे, आप रोड़ों पे निवास करते हैं, हमने ऐतराज किया आपको, आपको ऐतराज किया कभी, और आप हमारे विसर्जन को ऐतराज कर रहे हैं आप, देखिए मौलाना साहब आप इस कपड़े की धारणा कीजिए, हम दाढ़ी पे आ जाएंगे, हम दाढ़ी पे आ जाएंगे, प्लीज अनुराग जी आप पॉलिटिकल पार्टी के हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बैठे वो शांति समर्थक बैठे हैं मुजफ्फरनगर में, जो पुलिस गई मुजफ्फरनगर के अंदर जब पुलिस गई पकड़ने गोकशी के आरोपियों को, तो पुलिस पे हमला करके उन्हें छुड़ा के ले गए, पुलिस पे हमला करके पुलिस की गाड़ी तोड़ी उन्हें छुड़ा के ले गए। अनुराग मैं बहुत बहुत तसल्ली के साथ बहुत आराम से बात, देखिए मैं आपसे बनवाल साहब बहुत गुजारिश करूंगा, बहुत बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसान है आप, दाढ़ी पे बात नहीं हो रही है, ना ही संगोच्छे पे बात हो रही है, ना इस पे बात हो रही है, बात ये हो रही है कि इस मुल्क की एक तहजीब है और इस मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबको मानना है, संविधान सबसे वही वही है, जो इस देश का जो आईन है वही वही है, उसी के अनुसार से चलेंगे, सबके बराबर है। तो एक तरफ एक मुख्यमंत्री है जिसने कहा कि यहाँ की तहजीब और तबद्दुम के हिसाब से वो चीजें परफेक्ट बैठती हैं, इसलिए उसने कहा कि यहाँ पे एक दो दिन बात कर लो, एक तरफ वहां पे आपका पंजाब और हरियाणा है। अरे आज दो दिन की बात कही, उससे पहले आपको नहीं याद है आप ही के चैनल पे बैठ के हम लोगों ने डिबेट किया था, हमारी हनुमान जयंती पर रोक, हमारी हर चीज के पर रोक, हमारे अरे देखिए ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी ने लगाई है, अरे साहब वो बकरी वो बकरा वो जो आपका एक मस्जिद में बैठा हुआ है जिसको निकाला गया है, सबने खंडन कर दिया था, उसे निकाल दिया गया, ममता ने क्या बात कर दी बेनीवाल साहब, उसको समर्थन दिया है हमारे हनुमान जयंती को, हमारे देखिए सरेआम उसने कहा आप कुछ गुंडे लोग निकाल रहे हैं, गलत बात है, माँ माटी मानुष की बात होती थी वो मैं माफिया मुसलमान में क्यों बदल गई साहब, हिंदू भी बार बार लेते हैं मुसलमान, हिंदू भी तो है, हिंदू भी तो है बेनीवाल साहब, अरे कहिए ना आप इतना, आप अभी हरिश्चंद्र बन रहे थे, कहिए ना आप अभी क्या कह रहे थे, यानी यही बेईमानी, यही बेईमानी जो है देश को बांटने की बात, अनुराग टोपी हम आपकी दाढ़ी में कभी बात नहीं करते, आप हमेशा हमारे भगवा कपड़े बात करते हैं, आप पहनिए आप ये पहनिए, आराम से बेनीवाल साहब, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं अपराध है, माटी की बात करने वाली माँ के विसर्जन पे रोक लगा रही है, देश चुप है, ऐसा संविधान है, हिंदू होना बिल्कुल अपराध नहीं, बिल्कुल नहीं बेनीवाल साहब, हिंदू होना अपराध नहीं है जी, सवाल इनको शायद पता नहीं मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू से पहले हम सब भारतीय हैं, और जब भारतीय हैं तो हमारा संविधान ये कहता है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भाई की तरह रहते हैं, आपको शायद दुर्गा जी के बारे में मालूम नहीं है, पता लगा लीजिए दुर्गा जी सप्तमी, सुनिए षष्ठी से शुरू होती है, षष्ठी सप्तमी अष्टमी नौमी, सुनिए दसवीं को विसर्जन होता है, और तुम्हें बंगला जानो ना, तुम्हारे बंगला की तुम्हें कोनो दिन थेके चो कि नहीं, तुम्हें कोनो दिन थेके चो कि नहीं, तुम्हें कोनो दिन थेको ना, तुम्हें बंगाली बोलते जानो ना किछु, तुम्हें शुद्ध पॉलिटिक्स पार्टी को तेछो, जिस आदमी को बंगाली नहीं मालूम, जिस आदमी बंगाली के बारे में जानता नहीं है, बंगाली बोलना नहीं जानता, वो हिंदुत्व की बात करता है, बंगाल की बात करता है, पहले बंगाली तो सीखो, पहले सीखो बंगाली, जिसके बारे में बात करो उसके बारे में जानो, खाली मानुष माटी बोलने से नहीं होता है, आपको पता है, आपको पता है इतिहास में लिखा था इंडिया थिंक्स टुमारो बंगाल थिंक्स टुडे, जो आज आप सोचते हो बंगाल उसको एक दिन पहले सोचता था, एक मिनट
बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, लेकिन जब आए हैं तो बड़ी खबरों का रुख भी है कुछ, उन बड़ी खबरों को देखेंगे, तब तक लोग सेटल होंगे, कुछ कुछ थोड़ा पानी पिएंगे और उसके बाद फिर हम वापस लौटेंगे। भैया जी कहिन हो सुन लो, भैया जी कहिन, भैया जी कहिन हो देखो, भैया जी कहिन, भैया जी कहिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं न्यूज रूम से, और न्यूज रूम से हमारे मेहमान मौजूद, और मुद्दा बेहद बड़ा मुद्दा आज पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ, जहां पे मूर्ति विसर्जन यानी दशहरा, जो 1 अक्टूबर को कहा गया कि विसर्जन 1 को ना होके, ममता बनर्जी ने कहा कि विसर्जन 1 तारीख को नहीं, 2, 3, 4 को किया जा सकता है। इसी को लेकर, इस मुद्दे को लेकर तमाम बीजेपी ने कहा कि वो कोर्ट जाएगी, कोर्ट का रुख की तरफ, कोर्ट की तरफ रुख उसने किया। और इससे पिछले भी 2016 की बात करें तो कोर्ट में ये मसला था, कोर्ट ने फटकार लगाई थी ममता बनर्जी सरकार को, पूछा था कि आखिर ये ऐसा क्यों तब्दीली की थी। लेकिन आज आपने जो ट्वीट किया बग्गा साहब, बीजेपी के पक्षकार यहाँ पे मौजूद हैं, मैं खड़ा करना चाहूँगा, आपकी भाषा जो थी बड़ी कौन, आप जो बिल्कुल एकदम ऐलानिया कह रहे हैं, क्या आपकी ट्वीट, आपने क्या किया था, मैं जरूर जानना चाहता हूँ। देखिए देश के अंदर, मैं ट्वीट क्या किया था वो मैं जानना चाहता हूँ। हमने कहा था कि बंगाल के अंदर किसी सरकार की ताकत नहीं है कि माँ दुर्गा के विसर्जन को रोक सके, और उसको मैं दोबारा कहता हूँ और 10 बार दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। आप चैलेंज करते हैं सरकार को, चुनी हुई सरकार को भी चैलेंज कर देते हैं बग्गा साहब। माँ दुर्गा से बड़ी आस्था हिंदुस्तान के लिए और बंगालियों के लिए कुछ है नहीं, पर पूरे देश के लिए, पूरे मुल्क के लिए, सारे लोग, सारे जहाँ पे लोग रहते हैं वो सब लोग आस्थावान लोग हैं। पिछले साल भी हुआ था, उसके विरोध के में कुछ लोग कोर्ट गए, और अगर आप कोर्ट का फैसला सुनेंगे, उस कोर्ट ने कहा कि ये सांप्रदायिक फैसला है। उस कोर्ट ने कहा क्या आप दुर्गा पूजा के लिए मुहर्रम को रोक सकते हैं, उस कोर्ट ने कहा कि क्या ईद उल फितर अगर 26 जनवरी के दिन आ जाए तो क्या आप 26 जनवरी पर बैन लगा देंगे। लेकिन उस कोर्ट के आदेश के बाद जब पिछले साल दुर्गा पूजा के विसर्जन को दोबारा परमिशन मिली, तो इस साल जो ममता बनर्जी कर रही है उस कोर्ट का कंटेम्प्ट है। मैं आपके बग्गा जी मैं फहीम साहब आ रहा हूं, बस एक सवाल छोटा सा। सरकार एक बहुत वो चीज़ होती है जो लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, स्टेट का विषय होता है, उसको मालूम होता है सरकार कैसे चलाने, कैसे शांति बहाल रखनी है स्टेट के अंदर, शहर के अंदर। तो उसने एक फैसला लिया, और उस फैसले को उस नजर नुक्ताई नज़र से देखेंगे या आप उसको धर्म और रिलीजन के बंटवारे के तौर पर देखेंगे, बस मेरी एक जिज्ञासा है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार आप भी चला रहे हैं केंद्र में और कई राज्यों में। सवाल है, उसका मैं जवाब दूंगा। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, हमें मुहर्रम से इशू नहीं है। तो मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ी चीज है, इतनी बड़ी मुद्दा है, तो पंजाब और हरियाणा में क्यों चुप हैं आप, जवाब दे दीजिए मुझे बस। चुप नहीं है, वहाँ उनपे कार्रवाई हो रही है निश्चित रूप से। 144 किस लिए लगाई गई है, 144 और 10 लाख आदमी इकट्ठा हो गए तेजेंद्र जी। हाँ तो पुलिस के सामने बग्गा साहब कुछ तो शर्म कीजिए, बंगालियों को कोई दिक्कत नहीं है, अभी उन्होंने व्यूज दिखाए, उन्हें कोई परेशानी नहीं, आपकी शेरवानी में परेशानी है, आप इस पे कोरी सियासत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके बुरके में परेशानी हो सकती है तो हमारी भी शेरवानी में परेशानी है, अगर आपके बुरके में परेशानी हो सकती है तो आप बावजूद वहाँ पर 10 लाख लोगों कैसे इकट्ठे हो गए। और दूसरी बात, हाई कोर्ट ने इनसे पूछा कि बताइए फटकार लगाई कि कैसे 144 लगाई, 10 लाख कैसे लोग आ गए, तो धूम दबा के भाग गए। आज लॉ एंड ऑर्डर पे कोई सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ रूल बना रही है, वो भी विसर्जन लगातार होते रहते हैं दिसंबर। सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर उसके बारे में तो बग्गा पहले जान लीजिए बग्गा साहब कि 4-7 दिन की दुर्गा पूजा होती है, जिसमें सिर्फ 10वीं को विसर्जन होता है, 10वीं के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, 10वीं तक ही मैन होता है, उसके बाद कभी कर सकते हैं। 2-3 मालूम नहीं है, 10 नहीं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सही बताएंगे। अरे चैलेंज, आप चैलेंज कर देना, चैलेंज कर रहा हूँ, 10वीं तक सुनिए, अरे सुनिए ना, देखिए सुनिए, 10वीं सुन लो, एक सुन लीजिए, अरे बंगाली, अरे हम ना दिए, दादा ने भी बोलते बात छोड़ा, दादा भी बंगाली जानो ना, खाली बोला को था पॉलिटिक्स कोर्बे, ता चोल बे ना दादा, इतो चोल बे ना,
সব চলবে না এই দেশকে ডিভাইড করা চলবে না আরামসে আমাদেরকে শান্তি চাই আমরা শান্তি চাই अनुराग आप झगड़ा लड़ना चाहते हैं आप लड़ाना चाहते हैं दोनों को और लड़ाना नहीं चलेगा लड़ाना नहीं अजय अजय अनुराग जी धन्यवाद मैं दसवीं का जवाब दे रहा हूँ दसवीं तक हमारी पूजा होती है शक्ति की और शक्ति की सुन लीजिए आप बीच में बात बोलिए शक्ति की पूजा के बाद उसका विसर्जन होता है और विसर्जन करना बहुत जरूरी है कब होती पूजा पूजा नौ दिन होती है हमारी नौ दिन होती है कल कड़ाई छोड़िए बात कैनेडा की बात अलग है देखिए बात सुनिए आप झूठ बोले झूठ 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 दसवीं को विसर्जन हो जाता है आप कलकत्ता रहे नहीं हो आपने दुर्गा पूजा की नहीं है आप झूठ मत बोलो नहीं दसवीं विसर्जन होता है दसवीं को होता है पार्टनर होता है आपसे हाथ जोड़ता हूँ दसवीं होता है नौमी को भी होता है दसवीं को होता है आप कह रहे हैं दसवीं के बाद होता नहीं है दसवीं के बाद होता है दसवीं के बाद ही होता है दसवीं को होता है उसके बाद होता है उसके बाद कभी कर सकते हो जब दसवीं के बाद कभी कर सकते हो दुबई में ईद एक दिन बनती है और हिंदुस्तान में अगले दिन बनती है तो बताओ फिर वहाँ फैसला वहाँ कैसा डिफरेंस आप भारत की बात करते हो दुबई चले जाते हो पाकिस्तान चले जाते हो चले जाओ पाकिस्तान जाओ पाकिस्तान जाओ जाओ पाकिस्तान दुबई चले जाते हो पाकिस्तान चले जाते हो अरे भारत की बात नहीं करोगे हिंदुस्तान की बात नहीं करोगे मुहर्रम टल नहीं सकता तो ईद कैसे टलती है ये बताइए हिंदुस्तान की बात करो अरे मैं कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज होती है लॉ एंड ऑर्डर कोई बात होती है कि नहीं होती राजा जी राजा जी राजा जी राजा जी बनवाल जी बनवाल जी मैं एक बात एक बात एक बात अनुराग 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 मुहर्रम अगले दिन नहीं बन सकता अरे तो मन तो रहा है कब मन रहा है एक तारीख को मुहर्रम है दुर्गा पूजा दसवीं को खत्म हो रही है हाँ। तो उन्होंने कहा एक के बाद दो को भी सर क्या दिक्कत है दोनों भाई मिलकर रहने में आपको प्रॉब्लम क्या है जब एक ही कर रहा हूं मैं सिर्फ ये हम दोनों आप ये क्यों कह रहे हैं कि विसर्जन पर रोक है आप रूट अलग कर दीजिए दोनों के रूट अलग करिए मैं कह रहा हूं आप दोनों के रूट अलग करिए दोनों के रूट अलग करिए मैं अनुराग जल्द होल्ड अजय 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 मैं अजय 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 ये कांग्रेस की हुकूमत है मैं आ रहा हूं मैं देश बड़ा धर्म क्या जी धर्म बड़ा देश बड़ा धर्म निकला कहाँ से नहीं धर्म बड़ा देश बड़ा एक जवाब धर्म बड़ा देश देश सबसे बड़ा है देश है हम तुम है सुप्रीम कोर्ट की तकदीर में क्या लिखा हुआ है ततो धर्मस्ततो ततो जया धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म की रक्षा के लिए देश अनुराग 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 धर्म नहीं बचे अनुराग 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 अच्छा 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 पाजी पाजी बजाओ 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 भैया जी कहें प्लीज प्लीज ओम शांति ओम शांति पाजी ओम शांति हो जाने लगे मैंने तो भैया जी कहा था एनीवे मैं आता हूँ देखिए भाई अब बहुत ज्यादा बहस करेंगे मैं तेजेंद्र जी आपको खड़ा करना चाहता हूँ मुझे मालूम है तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर बड़े सवाल पूछे गए पश्चिम बंगाल में 28% मुसलमान है मैं वहाँ वो टीएमसी के यहाँ नहीं मैंने मैं उनसे पूछता ये सवाल उनसे बनता है अफकोर्स उनसे बनता है लेकिन भाई आप तुष्टिकरण की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं ये सवाल बनता है कोर्ट ने पूछा है तो मैं भी पूछ सकता हूँ उनसे मैं पूछना चाहता हूँ दो मिनट बोलने का मौका अफकोर्स यू हैव अ राइट देखिए देश के अंदर एक बीमारी अभी नई नई पैदा हुई तो इस तरीके की नीतियां जिस तरीके से वहां की वहां पे इंद्रधनुष होता है इंद्रधनुष को बंगाली के अंदर रामधेनु कहा जाता है ममता बनर्जी कहती है राम से कुछ लोगों के संप्रदाय भावनाएं भड़क सकती है इसलिए उस राम धेनु का नाम चेंज करके रोंग धेनु कर दिया जाता है तो इस तरीके की नीतियों का हम विरोध करते हैं और उस नीतियों के ऊपर चलते हुए भी इस तरीके के फैसले होते हैं ये मेरा कहना नहीं है इस कोर्ट ने फैसला बताया कि जो फैसला है ये सांप्रदायिक है ममता बनर्जी ने उस फैसले को उस सरकार कोर्ट ने बदला है ये सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है कि मुसलमान भी मनाए हिंदू भी मनाए उनका रूट अलग किया जाता अगर लॉ एंड आपके बस की बात नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए आपके बस की बात नहीं है जी जी देखिए सबसे पहले ये छटपटाहट है बंगाल को जीतने की ये पिछले 3 वर्षों से इन तमाम इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं बंगाल के पीछे की राजनीति जी ये कोरी राजनीति है
इनको अगर ये धर्म और तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कई बार बोल चुका हूँ, पहले कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टिकरण किया, अपीजमेंट किया, अब खुले तौर पर हिंदुओं का अपीजमेंट हो रहा है, जिससे बंगाल की शुरुआत हो चुकी है। बंगाल में ये छटपटाहट है बंगाल को जीतने की। और सुनिए, आप कर रहे हैं ना, हिंदुओं का समस्या है ना मुसलमानों को, समस्या है इनके पेट में दर्द है। ये बार बार वहां, ये बार बार जाकर वहां पर जो इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं। और सुनिए, इन्होंने बात की एक लड़के ने जो फेसबुक पे, अरे साहब ये तो हमारे संविधान का मामला है, कानून का, अगर किसी धार्मिक आप आस्था को आप ठेस पहुंचाएंगे, आप भावना को आहत करेंगे तो आप पे मुकदमा बनता है, उसमें क्या बात। छोटे बच्चे पर कोई मुकदमा नहीं बनता, उस पर जुनाइल एक्ट के अंदर केस चलता है, जुनाइल एक्ट में थाने में रख, सर जुनाइल एक्ट में थाने में नहीं रख सकते, तो आप तो चाटो लगा दो। अच्छा, बड़ी दिक्कत है, सुनिए, इनको बड़ी दिक्कत है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 18 साल के कम, सुनिए सुनिए, प्रशांत पटेल याद नहीं है आपको, कार्तिक घोष याद नहीं है, कार्तिक घोष 65 साल के आदमी को मारा आपने, भीड़ से खींच के मारा, आपको प्रशांत पटेल याद नहीं है। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, बहुत हो गया। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जब 18 साल के कम उम्र के लड़के, मुस्लिम लड़के जेल में थे और निर्दोष थे, हमने छुड़ाया तो पेट में आपके चूहे कूद रहे थे, और आज वालों को भी छुड़ाया। और नाम बताइए, नाम बताइए, अरे नाम बताइए, इनके पास नाम नहीं है, आपके पास तो, आपके पास कोर्ट ने छोड़ा, कोर्ट ने छोड़ा, शर्म करिए, वकालत आपने की, वकालत आपने की, वकालत आपने की, वकील आपने दिए, कोर्ट ने छोड़ा, आपने तोड़े। आप देखिए, देखिए, धर्म की राजनीति है, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बीजेपी, मैं आया, कितना शांति मिलती है जब मैं यहाँ आता हूँ। सर, कभी कभी देखते हैं आस पास ऐसा झगड़ा होता है कि हम भी घबरा जाते हैं। घबरा जाते पाजी, सर पाजी आप तो बस मुस्कुराते रहो, मुस्कुराने में ही खेल कर देते हो। बस सर ऊपर देख के पूछना पड़ता है कि दुनिया बनाने वाले क्यों, दुनिया इसीलिए बनाई गई है, बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे कलर हैं, और उन्हीं कलर के रंगों के बीच में बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं, रोज बातचीत करते हैं। लेकिन सवाल आज ये इस बात पे कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि 1 तारीख को विसर्जन ना होके 2 तारीख को कर लिया जाए, क्योंकि मुहर्रम 1 तारीख को, और इसी बात पर ओहो आसमान टूट पड़ा। जी देखिए प्रतीक जी, भैया बोल दूं मैं आपको, सबसे पहले बता दूं कि हमारे को इससे ऐतराज नहीं है कि आप मुहर्रम के दिन हम करें विसर्जन या अगले दिन करें, ये शक्ति का पीठ है, शक्ति की बात है हमेशा से। आपको बता दूं, मैं नादिया से आता हूं, चैतन्य महाप्रभु वहीं से हैं, वेस्ट बंगाल से, ये मेरे भाई बार बार चिल्ला रहे थे, आपको बता दूं, थोड़ा सा बाद में बोल लें, वहां पर एक मुस्लिम मुगल बादशाह होते थे, वो बार बार इसी बात पर चिल्लाते थे, यहां पर कीर्तन क्यों करते हो, कीर्तन क्यों करते हो, और आखिर में वो दंडवत हुए थे चैतन्य महाप्रभु के, और आज मजार है वहां नादिया के अंदर, और वो चांद खान की मजार के अंदर हरी बोल होता है। और ये तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टिकरण की बात नहीं कर रही है, ये विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है, और आपको बता दूं अकेली नहीं बात कर रही है, सारे देखिए हम हिंदुओं की बात नहीं है, और ये कह रहे हैं नौवीं को नहीं हो सकता। देखिए जैसे कि अगर जो इंसान अगर जो चोला छोड़ दे तो आप क्यों घर से निकालते हैं,
ऐसे ही शक्ति की पूजा होने के बाद में हमें दसवें दिन विसर्जन करना पड़ता है। मैं सहमत हूँ, शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है दसवीं को। अरे हमें ऐतराज नहीं है, हम दसवीं को ये देखिए पिछली बार भी कोर्ट ने गए थे, कोर्ट में मुंह में खाई थी ममता बनर्जी ने, और अब की बार भी हम कोर्ट में जा रहे हैं और देख लेना कोर्ट का फैसला हमारे हक में होगा। अरे तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, देखो इनको तो राजनीति करनी है। देखिए मुसलमान बताइए, हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू ये क्या है? हिंदुस्तान पूरा देश है, समाजवादी पार्टी का देश है, पूरा देश है। हमने हमेशा दोनों की बात की है, लेकिन लेकिन कहां आपका कौन सा त्यौहार, कौन सा त्यौहार? आप दसवीं को विसर्जन आप कर तो रहे हो, आप दसवीं को विसर्जन कर तो रहे हो, छह बजे तक कर तो रहे हो, कहां रोक लगाइए, कहां रोक लगाइए आप? अरे भैया पूजा कमेटी से मिलके डिसीजन हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, डिसीजन ममता बनर्जी का है, नहीं भाई, पूजा कमेटी के साथ बैठ के डिसीजन हुआ। पॉलिटिक्स, हम लोग धर्म की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स बात कर रहा हूँ, धर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स आप कर रहे हो। मेरा सवाल बग्गा साहब से, बग्गा साहब से, जी जी जी। अभी उत्तर प्रदेश में एक फरमान जारी हुआ के कैमरे लगाए जाएं, रिकॉर्डिंग की जाए मदरसों के बारे में पूरी जानकारी जी, और अब खुले तौर पर बाबा राम रहीम के उपासक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का नक्शा मिटा देंगे देश से, दुनिया से, और खून की नदियां बहा देंगे और आग लगा देंगे, ये कर देंगे। अरे बाबा राम रहीम के ऊपर क्यों लेके आ गए आप बात? मैं आप राम रहीम पे क्यों लेके आ गए? ये दोनों की बात नहीं, देखिए मेरा सवाल बग्गा साहब से, देखिए बनीवाल साहब, मैं बग्गा साहब से बात कर रहा हूं, पॉलिटिक्स की बात कर नहीं, बाबा की बात कर रहे हैं। आज वो कहां मुंह छुपाए पड़े हैं? पट्टर साहब कहां है? योगी साहब कहां है? भाजपा के वो नेता कहां है? मैं बग्गा साहब से सवाल पूछ रहा हूं, हमारे बग्गा साहब से सवाल पूछ रहा हूँ, खुले तौर पर देश में हम मुस्लिम को मार की बात हो रही है, बग्गा साहब खामोश क्यों हैं? नहीं बीजेपी की क्यों बात कर रहा है, बाबा की क्यों बातें कर रहा है? नहीं है खामोश, किसी ने नहीं कहा भारत का नक्शा मिटाने की बात, किसी ने नहीं कहा भारत का नक्शा। लोग इकट्ठे हैं हथियार लेकर, बॉम्ब लेकर, पेट्रोल के बॉम्ब लेकर, हथियार लेकर, तलवारें लेकर, भाले लेकर बैठे हैं। इस देश का नक्शा बाबर नहीं मिटा पाया, मीर कासिम नहीं मिटा पाया, तो ये कौन मिटाएंगे भैया? कोई नहीं मिटाएगा। अखंड हिंदुस्तान का नक्शा अखंड होगा, अखंड भारत, अखंड भारत की कल्पना करो। और आतंकवादी थे भाई, मुगलों ने सजाया इस देश को, आतंकवादी थे जिन्होंने सिखों की हत्या की, सिखों की हत्या की, सिखों की हत्या की, सिखों को हत्या की, राज सवाल लाओ। पाजी पाजी एक मिनट को, पाजी एक बात बताओ, अगर ये मेरा कोई प्रोग्राम आठवीं क्लास का या छठी क्लास का बच्चा देख रहा होगा तो क्या देखता होगा, क्या सोचता होगा, ये लोग कितना क्या करते हैं, क्यों लड़ते हैं? सर वो शायद कान ऐसे करके कहेगा, ऐसे करके इतना लड़ाई झगड़ा, कान इस तरीके से करके कहेगा, ऐसे बंद कर लेता होगा, मुझे माफ करो, मैं माफ करूंगा, तो शायद ऐसी लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसे लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो कहेगा शायद मैं क्लासरूम में ही ठीक हूँ, सातवीं आठवीं क्लास का बच्चा। हाँ मेरा भाई क्या कहेगा, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है भाई, क्या बात है, जरा सी बात कहीं से शुरू करो तब्दील हो जाती है झगड़े में। ना ना बग्गा साहब, जवाब उन्होंने पूछा था, आपसे मांगा था, आपने आपने तमाम जगह वो लगाए थे, कैमरे लगाए थे, ये बात सच है, 144 लगी हुई है और तमाम सारे 10 लाख आदमी इकट्ठा है वहां पर, कोर्ट हाई कोर्ट ने अभी पूछा है आपसे, अभी जवाब देना है, दोनों चीजों का जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि मदरसों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, इन्होंने कहा कि मदरसों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, क्या सरकारी स्कूलों पर कैमरे नहीं लगाए जा रहे हैं? तो अगर हिंदू सरकारी स्कूल जहां हिंदू मुस्लिम सिख सभी पढ़ते हैं उन पे कैमरा लगाने पर एतराज नहीं, तो मदरसों पर कैमरा लगाने पर एतराज क्यों? सवाल क्या कुछ दूसरा पूछा है? अरे भाई मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ और दे रहा है, मैं पूछ रहा हूँ धारा 144 के बाद 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए, बम लेकर, बोतल लेकर, कट जी तलवारें लेकर, भाले 10 लाख लोग, अरे बेग साहब 10 लाख लोग इकट्ठे हैं, स्वीकार है, सुनता लीजिए 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन उन्होंने मालदा की तरह हिंदुओं की दुकानें नहीं लूटी, उन्होंने मालदा की तरह हिंदुओं को घरों से निकाल के मारा नहीं है, उन्होंने मालदा की तरह हिंदुओं पे अत्याचार नहीं किया, ये ऊपर के प्रिय सवाल। कितनी अच्छी बात है कितनी अच्छी बात है, सरदार जी हिंदू की बात कर रहे हैं, सोचिए कितनी अच्छी बात है। नहीं सुनिए तो, जब आप हिंदू की कर रहे हैं तो मुस्लिम की भी कर लो, आपके वो भी भाई हैं, आपके वो भी भाई जैन की भी कर लो, सबकी कर लो, उसमें दिक्कत क्या है? सुनिए उसमें दिक्कत क्या है,
आप जब ये बात इतने पूरे हिंदुस्तान की जब आप बात कर रहे हो, सुनिए सुनिए, अगर आप राजनीति नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो? जब आप नहीं राजनीति नहीं कर रहे हो क्या कर रहे हो? जब वो मदरसे में उन्होंने पूछा, मदरसे में आपने कैमरे लगा दिए, आपने पाठशाला में लगाया, शिशु मंदिर में लगाया, झूठ, आप हमसे झूठ मत बोलो, सुनो हमसे झूठ मत बोलो, हमसे झूठ मत बोलो, सुनो सुनो सुनो, आपने आपने 1929 तक आज तक तिरंगे को पैरों से कुचला है, तिरंगे का विरोध किया है, आपने जब जब चंद्रशेखर आजाद आर पार की तैयारी उधर हो चुकी है और वो वहां पर पहुंच चुके हैं और पहलू उधर का भी देखिए। आज बात इतनी, कल फिर मुलाकात होगी।